अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ दसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल श्योर बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल का नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आप? तो ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुख्य तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। सर मेरा इनकी तारुफ है जी, मोहम्मद जैन मेरा नाम है, लोकेशन मेरी है लाहौर शालामार बाग दुर्गे वाले। तो अच्छा सर भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी लवबर्ड में एंट्री कैसे हुई? लवबर्ड में एंट्री मेरी देर बात हुई है, सबसे पहले तो मेरी एंट्री हुई है स्टेलियन में। अच्छा, क्योंकि स्टार मैंने स्टेलियन ही शुरू करा जी। माशाल्लाह के साथ साथ मैंने आस्था आस्था भी लवबर्ड में, फिर डव में, फिर फिंचेस में, फिर कोकटल में, फिर रिंग नेक में, माशाल्लाह आस्था आस्था वन बाई वन स्टेप भी स्टेप में हर बर्ड में ही होता रहा। माशाल्लाह, यानी कि आपने कोई बर्ड ऐसा नहीं छोड़ा कि आपका जो दिल में रहा हो यार ये बर्ड में मैंने काम नहीं दिया। मैंने कहा कि जो दिल में ख्वाहिश है ना रखने की बर्ड, उसको दूर से ना देखा जाए, उसको अपने पास रखा जाए। सही हो गया। तो अच्छा जब भाई, आपकी इसमें जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी और आपने कैसे आपने ये शुरू कर दिया? किसी को देखा था या आपने खुद भी आपके दिल में यार काम करो यार? मैंने देखा किसी को नहीं था, मुझे बचपन से ही शौक था। सबसे पहले तो मुझे शौक था चूजे पालने का। अच्छा, ठीक है। जो पहले चूजे मिलते थे अपने पैसे जो मिलते थे ट्यूशन के पारा पढ़ने जाते उसके पैसे मिलते जो कटे करके मैं चूजे लेके आता था। चूजों के साथ साथ मुझे तोतों का शौक पड़ा, तोतों के साथ साथ जो उनसा फिर मैं इसमें अपनी इनकम इकट्ठी करता था, जेब खर्च इकट्ठे करते करते माशाल्लाह मैंने ये काम शुरू करा है। किसी की इन्वेस्ट नहीं करी, ना किसी को देखा ही, मैंने अपना खुद का शौक था मेरे। सही हो गया। तो इन्वेस्ट कितने आपने इसमें पैसे लगाए थे, कितने बर्ड से स्टार्ट किया था आपने? मैंने स्टार्ट जो करा कम से कम 7,000 रुपए के बर्ड से, लेकिन मैंने उससे स्टार्ट करा था। माशाल्लाह, और ऑस्ट्रेलियन से मैंने स्टार्ट करा था। ये जो पहले आपने लगाए थे ऑस्ट्रेलियन तोते लगाए थे और 7,000 से आपने काम स्टार्ट करा था, फिर क्या चीज? बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। तो आप ये बताइएगा कि ये जो बर्ड्स का काम है ये कैसा है? आप माशाल्लाह से आप कह रहे हैं कि बचपन से मुझे शौक है, तो इसमें जो होते हैं ना रुझे जवाल बहुत आए हैं आजकल भी थोड़ा सा जो जवाल आया हुआ है। तो ये बताइएगा कि ये क्या क्या रुझे जवाल देखे आपने इसमें? मैंने बहुत से किस्म के देखे हैं, बर्ड्स को चढ़ते हुए देखा है, उतरते हुए देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शौक को हमारी कमी बेची नहीं आई, मजीद बढ़ा है। अगर बर्ड्स कम आया ना तो हमने उतनी ज्यादा परचेजिंग करी, उतनी वैरायटी हमने लगाई है। सही हो गया। जो हमने महंगी होने की वजह से हमने बर्ड्स नहीं ना रखे थे, वो सस्ते जब हुए हमने वो भी बर्ड्स लिए। माशाल्लाह, यानी कि आपको इसका सस्ता होने से फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं है। सही हो गया। तो कुछ लोग तो यार बड़े जो है ना वो बड़े बड़े लोगों को नुकसान भी हुए हैं, बड़े बड़े उन्होंने काम छोड़े भी हैं, अपने सेटअप भी आते सेल कर दिए थे कि यार इतना बर्ड उनके वो वजन हो गया हुए थे इससे। तो आप माशाल्लाह से आपने बल्कि दिल यानी कि और बड़ा करके और परिंदे जितना ही परिंदे नीचे आए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो जो मोटिवेशन में सिर्फ टीवी में देखता था, फेसबुक पे या तस्वीरों में देखता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो बर्ड परचेज भी करे, उनका शौक भी मत पूरा करा जी। जी सही हो गया। अच्छा जहाँ भाई, शौक तो हो गया एक तरफ, शौक के अलावा ये बिजनेस कैसा है अगर बर्ड का काम जो किया जाए एज अ बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त है। सही हो गया, जबरदस्त है। लेकिन सबसे पहले अगर काम शुरू करना है ना आपने, तो अपने दिल को बड़ा रखना, छोटा नहीं रखना। सही हो गया। क्योंकि इस काम में नफा भी नुकसान दोनों साथ साथ हैं। ठीक हो गया। ठीक है ना, अगर 10% अगर रेशे मुनाफे की है ना तो 15% नुकसान कीजिए, जानदार बढ़ रहे। तो अच्छा यार जहाँ भाई, आप कह रहे हैं नफा नुकसान, नफा नुकसान तो हर कारोबार में होता है, कोई ऐसा कारोबार बता दें जिसमें नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नफे की तरफ जो उनसे हाथ के जाते नुकसान की तरफ होता है ना, वो अपना दिल छोड़ देते हैं, कहते हैं इससे बुरा कारोबार ही नहीं है, इसमें नुकसान होते हैं। लेकिन नहीं, सही हो गया। जब हम नफा ले रहे होते हैं जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, जब नुकसान हमारे पास एक बर्ड का भी आते हैं, चार का आते हैं ना, तो हम उसको इशू बना देते, हमारा अच्छा नुकसान हो गया। सही बात है। ठीक है। तो अच्छा साहब भाई, आप ये बताइएगा अगर कोई बर्ड का काम स्टार्ट करिए एज अ बिजनेस, तो वो इससे आज के दौर में जब बर्ड बिल्कुल द्वार पे आए हुए हैं तो वो अपना घर का सर्कल चला सकते हैं? चला सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चलाते भी रहे और चल भी रहे, और इंशाल्लाह चलता रहेगा। बिल्कुल सही हो गया। तो अच्छा, आप इसमें देख रहे हो कि ये बर्ड ऊपर जाएगा या ऐसे सस्ता भी रहेगा? इंशाल्लाह जाएगा, जरूर जाएगा। इसकी वजह ये है कि
मेरे को ग्रीस हैं जानने वाले को मेरे पास नाम लोगे तो मैंने बर्ड का बनाया वो मेरे से पहली बार उनकी मुलाकात हो रही है बड़े ही बर्ड रखा उनको नहीं बेकार ही बता कि बर्ड को किस तरीके से रखना है इसकी क्या किसी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है मुझे देख के वो बर्ड ले आते हैं बिल्कुल अब उनको इसको नहीं पता कि इसको मैंने बॉक्स किस तरह लगाना है इसकी स्टिक किस तरह लगानी है इसको मैंने दाना कौन सा डालना है इसको किस तरह बना के डालना है तो बर्ड जो उनसे स्पाई की तरफ रहेगा वो ब्रीड नहीं करेगा मुझे देख के एक परिंदा रखा हुआ है देख के वो 10 परिंदे ले आते हैं बिल्कुल इसकी वजह से जो उनको लॉस जब होता है ना तो वो दिल हार बैठते हैं सही बात है जब तक इस चीज का मुझे इलम ही नहीं है इसको मैंने रखना किस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट किस तरह पूरी करनी मैंने तो बर्ड्स किस तरह मेरे को सही हो गया तो अच्छा सर भाई आप फिर ये कहना चाह रहे हैं कि बर्ड अगर शौक है तो शौक के सिर्फ शौक के तौर पर रख सकता है बिजनेस पे कन्वर्ट नहीं कर सकता बिजनेस में कन्वर्ट होना चाहता है तो पहले इसकी मालूम इन्फॉर्मेशन इसको काम तो इन्फॉर्मेशन को कहाँ से ले जाके बिल्कुल है अब चैनल है यूट्यूब चैनल है मीडिया का दौर है उसमें सर्च करें हर तरह की मालूमत आपको मिलती है लेकिन सुने सबकी ठीक है ना करें वो जो आपको दिमाग में माइंड होता है मैं आपको और मशवरा दूंगा आप उसको भी और मशवरा देंगे चार बंदों के पास जाएगा उसने अलग अलग मशवरे देने का सही हो गया लेकिन आप एकदम से इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें जी जी ये अगर आप नवे शौकीन है ना पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करें उसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने रखें ताकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें इसको नजला हो रहा है इसको कौन सी मेडिसिन डालनी इसको मोशन लग रहा है कौन सी मेडिसिन डालनी है फिर उसकी तरफ स्टेप भी स्टेप कौन सा आगे की तरफ जाए और क्या होता है मैंने 10,000 रुपये का जोड़ा लिया ठीक है ना इसके बच्चे मेरे पास लिख रहे हैं कि मेरा 20,000 रुपये का जोड़ा हो गया और भाई को पता नहीं कि मैंने 10 का जोड़ा लिया मेरा 20,000 का जोड़ा हो गया मैंने इसमें कितनी मेहनत करी है इसकी मैंने क्या क्या रिक्वायरमेंट करी है उनको सिर्फ ये नजर आया कि भाई ने 10 का जोड़ा लिया था इन्होंने 20 का कर लिया वो मेरे देख देख के ना 20 का जोड़ा था 25 का जोड़ा लेके आते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता उसको रखना किस तरीके से उनका लॉस ही आना बिल्कुल सही हो गया अच्छा तो जैसा भाई जो बिगनर है वो न्यू फैंसियर है वो कौन से बर्ड से काम स्टार्ट करे ऑस्ट्रेलियन से काम ले या किसी और आसान बर्ड से काम करे अब तो सस्ते दौर है अब चाहे ऑस्ट्रेलियन से कर लें चाहे लव बर्ड से करें सब सेम ही है सही हो गया ठीक है ना पहले होता था ऑस्ट्रेलियन का जोड़ा 500 का होता था लव बर्ड का जोड़ा 5,000 का होता था ठीक है ना अब ऑस्ट्रेलियन महंगा है लव बर्ड सस्ता है ठीक है ना अब न्यू फैंसियर को बल्कि बहुत अच्छा मौका मिला है अपने काम को कंटिन्यू चलाने के लिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले इसका शो करें शो के बाकी मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिंक है कि दोस्त है हमारे बड़े प्यारे अच्छे दोस्त है जो अभी भी मुझे कम से कम इस लाइन में 15 साल हो चुके हैं माशाल्लाह 15 साल से काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी नई से नई वैरायटियां आती रहती है नई से नई म्यूटेशन नई से नई मेडिसिन आती रहती है क्योंकि एक मेडिसिन प्रॉपर नहीं चल सकती साल बाद 2 साल बाद उसको न्यू करना पड़ता है भी ऐसी कई मेरे दोस्त हैं मतलब नई से नई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिससे अच्छी से अच्छी लीड आए अच्छी से अच्छी रेशियो हमारी आए मतलब लेकिन ये है कि मतलब आप जैसे कितने प्यारे मेरे भाई हैं जो अच्छी से अच्छी गाइड करते हैं अच्छा अजहर भाई आप ये बताएं कि लोग आपने बात कही उसकी मेडिसिन की तो लोग ना अच्छी भीड़ लेने के लिए बहुत सारा विटामिन वगैरह भी देते हैं मेडिसिन वगैरह देते हैं तो क्या हम अपने बर्ड को ये मेडिसिन और विटामिन देने चाहिए या इसके बगैर भी हम अच्छी भीड़ ले सकते हैं बिल्कुल देनी चाहिए लेकिन मैं अपना बताऊं मैं किसी का क्या बताऊं मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूं नेचर और देसी तरीके जी जी ठीक है जो आप भी इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में मैं भी इस्तेमाल करता हूं जी जी ठीक है ना मेडिसिन तो इससे बढ़कर एक है ठीक है उनका उसी तरह रेट है अब मेरे पास अगर 5,000 रुपये का बर्ड है मैं 30,000 रुपये की मेडिसिन तो कभी नहीं ला के डालूंगा ना मैं डालूंगा ना कोई और डालेगा ठीक है मैं नेचुरल चीजें जो उनसे होती हैं जो घरों में इस्तेमाल होती है मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह वो इस्तेमाल करता हूँ सॉक्स फूड में चंद चीजें होती हैं ये लोबिया चने काली चने होते हैं ये नेचुरल चीजें हैं जो इंसान अपने घरों में खुद भी खाता है और अपने बर्ड को भी खिलाए अल्हम्दुलिल्लाह इससे माशाल्लाह मेरे बर्ड्स हेल्दी भी रहते हैं एक्टिव भी रहते हैं और माशाल्लाह इनकी फर्टिलिटी की भी रेशियो माशाल्लाह 100 तो नहीं कहूंगा आपको मैं लेकिन 80% माशाल्लाह इनकी रेशियो है अच्छी ठीक हो गया माशाल्लाह अच्छा अगर तो आप ये बताइएगा कि इनमें जो बीमारियां आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं और उन बीमारियों से हमें कैसे बचाना बीमारियां इसमें जब आती हैं जब गंदगी बहुत ज्यादा हो ठीक है ना पानी हम 8-8 दिन ना चेंज करें बीमारी जब भी आएगी इसमें थोड़ी बहुत होती है मोशन में ज्यादा ठंड पड़ गई मोशन आ गए बुखार इसमें रहते हैं बिल्कुल ये लबड़ में आइस का मसला चल रहा है उसके लिए डॉक्टर मिलते हैं बेहतरीन डॉक्टर है वो इस्तेमाल करें 3 दिन के अंदर माशाल्लाह का वर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा तो भाई आप ये बताइएगा कि ये ब्रीडिंग सीजन इनका कौन सा है
बच्चन बीटी सीजन बछड़ा जो सा है मेरा जो से बर्ड्स लगे हुए हैं मछला मेरा 12 महीने बीटी सीजन है लगे रहते हैं इस वजह से कि मैंने मुख्य मेडिशन मछल लगाई हुई है लेकिन अगर एक बर्ड्स का सीजन ऑफ हो रहा है ना तो मेरा दूसरे का सीजन और शुरू हो जाएगा क्योंकि मेरा मछला 12 महीने जो सा ना बीटी सीजन चलता रहता है। अच्छा तो वो तो हो गया कि अच्छी ब्रीड लेने के लिए आप बेटा मन वगैरह ना लगाएं इसको नेचुरल पे रखें। हाँ जी तो नेचुरल पे रखेंगे तो माशाल्लाह से ये हेल्दी और एक्टिव भी रहेंगे और खर्चा भी आपका जो है ना वो कम आएगा मिलेगा। अब हाथ से मेहनत करेंगे ना सूक्ष्म बनाने में आपको इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सही बात है। हम आजकल करते हैं बाहर से मेडिसिन ले आते हैं डब्बियां लाते हैं काम वही करेगी वो भी वही करेगा। हमने सिर्फ ये होता है टाइम बचाने के लिए चम्मच से डालते हैं उसमें डाल के मिक्स करके डाल दिए हमने हाथों से कद्दूकस करना है हाथों से मिक्स करना को बनाना है उबालना है एक फूड बनाना है इस पर डबल रोटी बना लेते हमने डालना है। सही है। तो यार आप ये बताइएगा कि ये अपना जो बर्ड सेटअप होता है अगर बंदे के पास तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 20-30 पीते हैं तो मैक्सिमम कितना टाइम वो उसको दे तो वो उसको चला सकते हैं। बजट टाइमिंग की कोई इशू नहीं है इसमें आपके पास सुबह के टाइम है सुबह दे दें शाम के टाइम है जब आप दे देंगे इसमें टाइमिंग का कोई इशू नहीं है लेकिन आपने बर्ड्स के पास जाना जरूर है। ठीक है ना आपको ताकि पता तो लगे मेरा बर्ड सिस्टम किस मूड में बैठा है इस समय क्या इसकी एक्टिविटी है बिल्कुल इसमें इसको किस चीज़ की जरूरत है बिल्कुल। अच्छा तो जैर भाई आप ये बताइएगा कि इस काम को कौन कौन से लोग कर सकते हैं क्या औरतें और बच्चे भी कर सकते हैं जवान बूढ़े कर सकते हैं हर बंदा कर सकता है इस काम को। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको इस चीज़ की नॉलेज है उसको इस चीज़ का सबसे पहले इस काम को शुरू करने के लिए पैसा नहीं चाहिए शौक चाहिए चलता रहेगा। ये काम क्या कोई भी बिजनेस कर लें कोई भी कारोबार शुरू कर लें जब तक आपको उस काम की जद्दोजहद नहीं है लगन नहीं है उस काम में आप उस काम को कभी भी कंटिन्यू चला नहीं सकते। सही जब आप बर्ड्स लेने जाते हैं अब एक जगह से तीन बर्ड्स लेके आते हैं मेरे पास से ही मिली दो जगह और जाती हैं वहाँ नहीं मिलती तीन जगह और जाती हैं नेटवर्क घुमाते हैं विजिट करते हैं कहाँ से करते हैं हमारे घर आके दरवाजों ने कहा था हमारे पास बर्ड आपने हमारे पास ही आना है खुद ही विजिट करते हैं मीडिया में देखते हैं वो किस तरह भेजते हैं उन्होंने पोस्ट लगाई हुई है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे फिर आप कॉन्टेक्ट करते हैं अगर जो काम वो कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कर सकते हैं। ठीक है अल्लाह ने आपको भी शोर दिया है क्या तो मैं किस तरीके से बर्ड चलाना है कोई नहीं लेता ना लें अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद बेचेंगे भी करते हैं। मैं आपसे लेने जाऊंगा ना बर्ड अगर असल कीमत उसकी 10,000 है ना मैं आपको 4,000 दूंगा आपको ही पता उसकी कीमत 10,000 है मुझे ही पता 10,000 है 4,000 मुझे इसलिए दोगे क्योंकि आपको उसका बेचने का तरीका नहीं पता तरीका मुश्किल नहीं है सिर्फ आपका कदम उठाना जो होता मुश्किल है यानी कि इसमें जो पहला कदम उठाना है ना वो मुश्किल अगर आपने वो पहला स्टेप ले लिया तो आप अपना लोकेशन वगैरह नंबर बना के मैं सेंड करता हूँ आज मेरा बर्ड भी सेल होगा कल नहीं होगा परसों नहीं होगा चौथे दिन सलाह लाजमी सेंड होगा कोई चीज मुश्किल नहीं है कोशिश करें हर चीज आसान हो गई नहीं कोई लेता ना आप खुद देखे आप खुद प्लेटफॉर्म पे सही हो गया। अच्छा तो जैद भाई क्या आप इसके साथ साथ एकदम माशाल्लाह से आपने सेटअप आया आप अपना सेटअप को रन कर रहे हैं तो इसके साथ आप सेलिंग परचेजिंग भी कर रहे हैं या सिर्फ अपने बर्ड को ही सेल कर रहे हैं आगे मार्केट में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल परचेज का भी काम कर लिया मेरा शौक था ठीक है ना शौक के साथ साथ मेरा काम भी बन गया सही हो गया मैं सेल भी करता हूँ परचेज भी करता हूँ छोटा बड़ा बर्ड हर किस्म का मसला बर्ड मेरे पास आते हैं। तो अगर कोई अपना बर्ड आपको सेल करना चाहे या आपसे परचेजिंग ही करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है क्या तरीका कार है? जीते कर मेरे भाई ये आपकी चैनल के थ्रू ठीक है ना मुझसे रब्ता करें मेरा नंबर होगा नीचे लोकेशन आपको मैं सजेशन कर दूंगा बिल्कुल किसी भी रास्ता मेरा आप विजिट करें पहले विजिट करें ये तो हमेशा आते ही बर्ड लेके जाएं आए पहले विजिट करें बर्ड देखें आप मुस्लिम होंगे उस चीज से तो फिर वैसे बर्ड लेके जाए। सही हो गया। तो ज्यादा अपने नंबर शेयर कर दीजिएगा नंबर मेरे भाई है 03223865157 और लोकेशन मेरी है लाहौर शालामार बाग दरोजे वाले। तो जैद भाई लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को सक्सेस की टिप दे दें।
सक्सेस की चीज कैसे दे मेरे भाई कि आप अल्हम्दुलिल्लाह खुद हमसे बहुत आगे है मेरे भाई, क्योंकि जिस तरह का मीडिया का दूर जा रहे हैं ठीक है, लेकिन इस चीज़ में आप यही करें ठीक है ना, ये बहुत अच्छा शौक है ठीक है, इसमें नफा नुकसान हर चीज़ चलती रहती है, ये बुरा शौक नहीं मेरे भाई, लेकिन बेसिकली इसको आप सबसे पहले इन करें तो शौक के साथ शुरू करें, रेट कारोबार की तरफ ना आए मेरे भाई। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।